पार्लर जैसा ग्लो घर बैठे कैसे लाए हम? बिजी शेड्यूल के कारण हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम पार्लर जा पाए। मैं खुद पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही जो भी होम रेमेडीज होती है वो इस्तेमाल करती हूँ या घर पे ही मसाज करती हूँ। तो किसी का मानना यह है कि हम होम रेमेडीज को ही इस्तेमाल करीज होती हैं वो ही काम में लें और घर पे ही मसाज करें। मसाज को हम सिर्फ एक चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए समझते हैं कि चेहरे पे ग्लो लाता है, चेहरे सुंदर दिखता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं मसाज करने के लिए, जो हम जानते ही नहीं है कि क्या उद्देश्य। मसाज के बहुत सारे फायदे भी होते, कुछ मसाज की आज ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी कि आपको रोज मसाज करनी है। वीक में 5 दिन आप अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी स्किन पे वैसे ही ग्लो रहेगा जैसे आप पार्लर से मसाज करवाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के सेशन में हम मसाज की टेक्निक्स को जानेंगे और मसाज के फायदे क्या होते हैं वो भी जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे, जो भी ऑडियंस नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यू वॉच करने के लिए या कंटिन्यू चैनल पे बने रहने के लिए चैनल बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे सबसे पहले हम जानेंगे कि मसाज के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हम शुरू करते हैं या किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके पहले उसकी पूरी प्लानिंग बनाई जाती है या उसके बारे में जाना जाता है कि उसके क्या फायदे होते हैं, हम क्यों कर रहे हैं। मसाज करते हैं तो ये चेहरे की नसें होती हैं उनका सर्कुलेशन अच्छा बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाता है, हमारी स्किन को टोन करता है, टोन करता है, और जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, और डेड स्किन निकलने के कारण में बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत अच्छे से स्किन को मिलती है, जिससे स्किन के अंदर ग्लो आता है। अपन बोलते हैं कि ग्लो आता है, ग्लो क्यों आता है? ग्लो इसलिए आता है कि डेड स्किन निकल जाती है, रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे बाहर की ऑक्सीजन होती है वो अपनी स्किन अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे हम मसाज करते हैं तो जो कोई कई बार अपन क्या करता है, हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हम क्रीम ऐसे लगाते हैं कि वो ऊपर ऊपर तक ही रहती है। मसाज के अंदर जो भी ऑयल या क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है, या त्वचा का रूखापन वो चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अपन मसाज करते हैं तो वो हमें तनाव मुक्त भी रखता है। तो फेस की नसें होती हैं वो माइंड से भी जुड़ी हुई रहती है, हार्ट से भी जुड़ी हुई रहती है। फेस से होते हुए जैसे ये वाली नसें होती हैं, यहाँ कान वाली नसें होती है, कान के पीछे वाली नसें होती हैं, मसाज करते हैं तो इनको नोटिस किया होगा कि जो मसाज करने वाले होते हैं, पार्लर वाली होती हैं, वो उनको प्रेस करती है अंत में। तो प्रेस करने से क्या होता है कि इससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो तनाव होता है उसमें रिलैक्स मिलता है। सबसे अच्छी बात है अगर अगर हम खुद करने के बजाय किसी फैमिली मेंबर से या बाहर से करवाते हैं अपन मसाज, तो उसमें ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन डेली अगर हम करते हैं तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, उससे भी हमारा तनाव दूर होता है। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 चलेगा, जिसमें पार्ट 1 आज चलेगा गले का मसाज और पार्ट 2 चलेगा फेस का मसाज, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ आज गले का मसाज ही लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मसाज करने से पहले जो भी आपको सुटेबल ऑयल है, क्रीम है, सबसे बेस्ट तो कोकोनट ऑयल होता है, फिर भी आप अगर इसके अलावा भी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करें अपनी स्किन के ऊपर। फिर उसके पश्चात में आप मसाज करना स्टार्ट करें। गले और चेहरे की जो त्वचा होती है दोनों में बिल्कुल भेद होता है, यानी कि दोनों का कलर अलग अलग होता है। गला होता है वो डार्क रहता है और फेस होता है वो बहुत चमकीला हो जाता है, तो इससे वो थोड़ा भद्दापन भी लगता है, तुरंत दिखता है, ये दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं तो इससे थोड़ा सा चीप लगता है। इसलिए आज हम पहले गले से लेंगे, गले की मसाज करेंगे।
इसी तरीके से लेंगे, आपको यहाँ आगे से लेते हुए फिर पीछे की तरफ यूँ ले जा करके और गर्दन पे प्रेस करना है इसको, इस तरीके से ले जाके। और मैं पीछे से दिखाऊंगी आपको, और इस तरीके से आपको गर्दन पे यहाँ प्रेस करना है। यहाँ अपनी नसें होती हैं जिनको रिलीफ मिलता है। ये अपना पार्ट वन था गले की मसाज का। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, पीछे की जो नसें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। मिलते हैं पार्ट टू में, जो फेस की मसाज से संबंधित होगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और अगले सेशन में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।